कलर्स रिश्ते पर पहली बार सबसे बड़ी रहस्यमय प्रेम कहानी। कहते हैं हर इंसान अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, पर क्या होगा दो जिंदगियां एक दूसरे का भाग्य लेकर जी रही हो। नया साल लेकर आएगा, नागिन की जिंदगी में नई मुश्किलें, कई राज होंगे बेनकाब। नया साल है आफत के लिए तैयार। जहां से सब कुछ शुरू होता है, नागिन ने आवाहन। आज एक नई नागिन आएगी, आएगी वो जहां भी है जैसी भी है, अपना बदला लेने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेगी। नया दुश्मन लाएगा चुनौतियों का सैलाब। तो दोस्तों, नागिन का सीजन बहुत ज्यादा हिट हो चुका है और अब इसका सातवां सीजन यानी कि नागिन 7 आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद एकता कपूर ने की है। इस ड्रामे की पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, नागिन 6 का इख्तिताम तो हो चुका है, लेकिन ये अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया है कि प्राथा की दोनों बेटियों का क्या बना और सीजन 7 में दोनों में से कौन पॉजिटिव रोल अदा करेगी और कौन नेगेटिव रोल में इस ड्रामे में होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि अब नागिन 7 में नेक्स्ट हीरोइन या नागिन प्रियंका चार चौधरी, जिनका नाम खुद एकता कपूर ने फाइनल कर दिया है, जबकि दूसरी नागिन अब की बार कौन होगी इसको एक सरप्राइज के तौर पर रखा गया है और इसका नाम इस नागिन को ड्रामे में ही दिखाया जाएगा। लेकिन अब की बार नागिन ड्रामा बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें पिछली तमाम सीजन्स की नागिन एक बार फिर देखने को मिलेंगी और सब एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी इस ड्रामे का हिस्सा होंगी। जब इस ड्रामे की हीरोइन को मदद की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर नागिन 1 और नागिन 2 की हीरोइन, जो कि नागिन 3 में भी थी, जिनको अब तक की नागिनों में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था यानी कि मोनी रॉय, वो इस बार भी इस ड्रामे का हिस्सा ज़रूर होंगी। और दूसरी नागिन जो अब की बार इस ड्रामे में होगी वो जेनिफर है। जेनिफर विलन यानी नेगेटिव रोल अब की बार प्ले करेगी। और हाँ दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में जो एक और अहम खबर, जो इसकी रिलीज़ डेट है कि ये ड्रामा कब रिलीज़ किया जाएगा, तो दोस्तों एकता कपूर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर ये अनाउंस कर दिया है कि ये ड्रामा आप लोगों को इसी साल के आखिर में देखने को मिलेगा। और इस ड्रामे की स्क्रिप्ट का काम काफ़ी टाइम पहले नागिन 6 के बाद ही ख़त्म हो गया था और अब इसकी शूटिंग भी मुकम्मल होने के करीब है, जल्द ही ये ड्रामा ऑन स्क्रीन होगा। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को कलर्स पर एक बार फिर ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात को अभी तक फाइनल नहीं किया गया। हो सकता है कि इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाँ दोस्तों, इस ड्रामे में जेनिफर ही नागिन है या नहीं, इस बात को काफ़ी दफ़ा न्यूज़ और मीडिया में तो कहा गया है, लेकिन इस खबर को एकता कपूर की तरफ से फाइनल नहीं किया गया। तो दोस्तों, आप नागिन 7 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी और ड्रामा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।